जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीएचएसएल 10+2 भर्ती 2022-2023 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है। एंड मैं ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूँ और ये वीडियो मैंने कंप्यूटर्स के लिए अलग से बनाई है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर से फिल करना चाहते तो उसके लिए आप इस वीडियो को वॉच करेंगे। एंड अगर आप मोबाइल से फिल करना चाहते तो आप इस वीडियो को वॉच करके मोबाइल से फॉर्म को भर पाएंगे। इन दोनों वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो कि अभी आप वॉच कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर दोस्तों, अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक को आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहां पर आ जाएगी। आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आपको सबसे पहले आपकी इंपोर्टेंट डेट्स जानने को मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 6 दिसंबर 2022 से लेकर के 4 जनवरी 2022 तक भर पाएंगे। फीस जमा करने के लिए आपको यहां पर जो समय दिया है, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से फीस को जमा करेंगे तो आप 5 जनवरी 2023 तक कर पाएंगे। एंड जो आपकी इसकी एग्जाम डेट रखी है टीयर फर्स्ट की, वो शेड्यूल्ड यानी कि अनुमानित अभी यहां पर फरवरी मार्च 2023 रखी गई है। अभी बात करते हैं आपकी टोटल वैकेंसीज की। तो जो आपकी टोटल वैकेंसीज है उसके बारे में एक्सपेक्टेडली इन्होंने क्या कहा है, यानी कि एसएससी ने क्या कहा है। तो एसएससी ने कहा है कि इसमें आपकी अप्रोक्स यानी कि अनुमानितली 4500 वैकेंसी होने वाली है। पहले सुनने में आया था कि इसमें काफ़ी सारे पद निकलेंगे, यानी कि कम से कम 80-90 हज़ार पद निकलने वाले हैं, जिसमें कि जो इंडिया पोस्ट की वैकेंसी थी पोस्टमैन की, वो भी इसके अंदर ऐड की गई है। बट ऐसा नहीं हुआ, इसमें सिंपली आपके 4500 अप्रोक्स पद निकाले गए हैं। जो आपकी पोस्ट है इस भर्ती के अंदर, वो आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेएसए इसकी है, जिस पर आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जो कि होती है 19,900 रुपए से लेकर के 63,200। एंड जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, इस पर आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, जो कि है 25,500 रुपए से लेकर के 81,100। और इसमें यहां पर दोस्तों लेवल 5 की भी सैलरी इसी पोस्ट पर आपको दी जाएगी प्रमोशन के बाद में। एंड यहां पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है, इस पर आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, जिस पर ये आपकी सैलरी होती है 25,500 से 81,100। तो आपने यहाँ पर पोस्ट के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे आपकी एज लिमिट के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी है, वो आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी है, यानी कि अगर आपका जन्म या फिर डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995 से लेकर के 1-1-2004 के बीच में है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ये बात हो रही है जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। एज आपकी 1-1-2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी, जिसका मतलब यह होता है कि जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 तक 18 साल से कम या फिर 27 साल से ज्यादा है, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये बात हो रही है जनरल कैंडिडेट की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एससी एसटी को और ओबीसी को छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, और जो आपका डाउट है कि क्या इसमें अपीयरिंग यानी कि जो भी 12वीं कर रहे हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो उसका आंसर भी आपको ऑफिशियली दिया जाएगा। तो ये आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। अब गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स की बुक्स के बारे में, जो कि है आपकी एसएससी सीएचएसएल के लिए, जिसमें कि आपको यहां पर सोल्ड पेपर सेट दिया गया है। आपका इन सभी पोस्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल है, जिसमें कि आपको 16 पेपर्स दिए गए हैं 2017 से लेकर 2021 तक के। इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये काफी फायदेमंद बुक्स होने वाली है, जो कि आपका सोल्ड पेपर सेट है। आपको यहां से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके लिए ये काफी फायदेमंद रहेगी अगर आप अपने प्रीवियस पेपर को कवर करेंगे, जो कि आपके इस एग्जाम के हैं। तो गाइज, आपको इनको परचेज करने का लिंक इस वीडियो के अंदर दिया है, जाइए परचेज कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एज ऑन 4 जनवरी 2023, एज ऑन का मतलब होता है कि 4 जनवरी 2023 तक जिनकी 12वीं कंप्लीट हो चुकी है, जिन्होंने 12वीं कर ली है, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी 4 जनवरी 2023 के बाद में होगी, वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आती है क्वालिफिकेशन। तो जो आपकी एलडीसी, जेएसए, डीईओ, डीओ ग्रेड ए की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। बट आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने
आपकी 12वीं साइंस यानी कि जो आपका 12वीं है उसमें आपके पास वन ऑफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, तो आप वहां पर बताएंगे यस नो में। उससे क्या होगा, उससे आप जो आपकी ये डीओ ग्रेड है इनकी पोस्ट है इन पर भी आप अपनी प्रेफरेंसेस बाद में जाकर के दे पाएंगे। जिन्होंने सिंपली 12वीं पास की है बिना मैथमेटिक्स के बिना साइंस के, वो फिर एलडीसी और जेएसए में के जो पोस्ट है इन्हीं को प्रेफरेंस दे पाएंगे। और जिन्होंने 12वीं मैथमेटिक्स के साथ में की है, जिनके पास 12वीं के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था चाहे अन्य कोई सब्जेक्ट ना हो साइंस का जो कि होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बट आपके पास मैथमेटिक्स था, तो ऐसे में आप लोग सभी पोस्ट को अपनी प्रेफरेंसेस के रूप में दे सकते हैं जब आपसे प्रेफरेंसेस मांगी जाए। तो ये ध्यान रहे कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 4 जनवरी 2023 से 23 तक पूरी हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी या फिर जिनका रिजल्ट इसके बाद में आया है वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर गाइज ये तो आपने जाना, अब इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको 100 रुपये पे करनी है, जो कि जनरल ओबीसी यानी के जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनको पे करनी होती है। एससी एसटी विकलांग और ऑल कैटेगरी फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ये सब कैटेगरी फ्री में अप्लाई कर पाएंगे, इनको कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन आपका यहाँ पर बेसिकली एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। इसमें स्कीम ऑफ एग्जाम में आपको बोला है कि इसमें टीयर फर्स्ट टीयर टू होगा, टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा और टीयर टू का क्या रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टीयर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न आपके सामने, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जिससे आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे और कितने उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बेसिकली 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे और उसके लिए आपको 50-50 नंबर दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको यहाँ पर 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग भी होने वाली जो कि आपकी 0.50 यानी कि आधे नंबर की रहने वाली है। फिर टीयर टू का आपका पैटर्न आपके सामने ये है जो कि आपको आप यहां पर देख सकते हैं, ये पैटर्न आपका टीयर टू में फॉलो किया जाएगा। वैसे मैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के लिए एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन दूंगा और आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा। इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट सजेस्ट किए हैं, तो आप ये प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इस एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आप यहां पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि आपका सिलेबस टीयर फर्स्ट का क्या रहेगा। बेसिकली जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट में वैसे तो काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, बट यहां पर वो टॉपिक्स आपको मेंशन किए गए हैं जिनके ऊपर मेन फोकस रहेगा आपका क्वेश्चन तैयार करने में, तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। अगर आप कहीं पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं से आपने कोचिंग की है, तो आप वहां पर इन टॉपिक्स को जरूर पढ़िएगा। जनरल इंटेलिजेंस में आपका फोकस इन टॉपिक्स पर रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी के ऊपर टॉपिक्स फोकस होगा। जनरल अवेयरनेस में आपका फोकस बेसिकली ये रहता है कि कहीं से भी आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस में, बट फिर भी फोकस आपका रहता है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च ईटीसी, तो ये आपके टॉपिक्स रहते हैं। तो गाइज ये थी आपकी एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2022-2023 यानी कि भर्ती 2022-2023 के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है इन सब जानकारी को एक्सप्लेन करने के बाद में और इनके अलावा, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।